आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 8 सीबीएसई की एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसमें हमने कल वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करवाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। इसमें जो मिसिंग डिजिट है उसको आपको क्या करना है, इसमें ऑब्जर्व करके उसको फिलअप करना है। जैसे देखिए आप यहाँ लिखा गया 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर मीन्स होता है 121। 11 का जो स्क्वायर होता है 121 होता है। अब देखिए इसका पैटर्न है, 11 का स्क्वायर 121 है और उसके बाद 101, मतलब 101 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 102 201। यह इसका एक सीरीज है, इसी के अकॉर्डिंग सीरियल है, इसी के अकॉर्डिंग इसका आएगा। देखिए यहाँ पे 101 है तो 102 फिर उसके बाद 01 है। उसी तरह आप जब 1001 होगा तो आप देखिए इसमें बीच में 10 था तो 1 1 2 के बीच में 110 होगा। उसके बाद 1001 है, आप इसमें देखिए 20 बीच में है तो 121। देखिए हमेशा जो नंबर लिखे जाएंगे 121 के हिसाब से लिखे जाएंगे और इसमें जितना जीरो है बीच में उतने जीरो को बीच में भरना। जैसे आपका ये हो गया 1001 में 20 है बीच में तो 121 के बीच में 20 लिखना है आपको। 121 के बीच में 220, यहाँ भी जो 12 के बीच में 20 और 21 के बीच में भी 20 लिखना है। अब उसी तरह देखिए 1 के बीच में जो है आपको इसी सीरीज के हिसाब से लिखना है तो बीच में कितना जीरो है काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। तो 1 के बाद आपको 40 लिखना है, 2 3 4, 1 के बाद 1 2 3 4 0, फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको 2, अब उसके बाद फिर आपको 40, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 लिखना है। तो इस तरह से इसका ऑब्जर्व हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए इसमें कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 है तो आप इसके बीच में 60 है। आप इस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आप इसके बीच में 1 2 1 के बीच में कितना जीरो लिखना है, इसमें कितना जीरो 1 2 3 4 5 6, तो आप इसके बीच में 60 लिखना है। तो देखिए 1 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 0, ये 60 हो गया, फिर 2 फिर उसके बाद ये 60, 1 2 3 4 5 6 0। तो इस तरह से आपका ये आपको इसको फिलअप करना था, आप इस तरह से इसमें फिलअप कर देंगे। ठीक है, ये वाला आपको दिया था उसमें नहीं, इसको भरना था। ठीक है, ये सही है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको भी ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड स्टडी द मिसिंग नंबर। इसमें भी आपको उसी तरह मिसिंग जो है उसको ऑब्जर्व करना है और उसके बाद इसको फिलअप करना है। देखिए अब इसमें भी लिखा है 11 स्क्वायर इक्वल टू 121 होता है, फिर देखिए यहाँ भी 101 है तो 01 है। आप देखिए अब इसमें बीच में 00 का रेशियो आ रहा था, अब इसमें अब एक रेशियो है। ठीक है, अब इसका नंबर होगा 1 2, ऐसे 1 2 1 है। अब इसे जैसे इसमें जीरो बढ़ेगा उसमें एक नंबर बढ़ जाएगा, 2 के बाद 3 नंबर आ जाएगा। देखिए 10 फिर 101 है। ठीक है, तो आप इसका जो पैटर्न होगा, देखिए एक एक जीरो होगा, अब नंबर जो है 1 देखो 1 2 3, तो इसमें कितने 1 है, 1 2 3 3 1 है, तो आप इसका नंबर आपका जो होगा 1 2 3, उसके बाद 10 20 30, फिर जब 30 हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद वहीं से डिसेंडिंग आर्डर में आएंगे, फिर 0 2 0 1 ऐसे होगा। तो आप इसका देखिए, इसको देखिए यहाँ पे फिलअप कर दिया गया है 1 0 2 0 1 0 1 0 1, तो 10 फिर उसके बाद 2 0 3 0 3 0 के बाद फिर 3 के बाद एक उससे कम करेंगे 2 0 0 2, फिर 0 1 होगा। अब उसी तरह इसमें देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 1 2 3 0, और नंबर इसमें 1 कितने टाइम आया है, 4 टाइम आया है, 1 2 3 4, तो आपको पहले यहाँ पर देखिए ऐसे लिखना होगा 10 फिर उसके बाद 20 फिर उसके बाद 30, अब इसमें 14 टाइम आया इसलिए 40 के बाद हम यहीं से घटते हुए शुरू लिखेंगे, डिसेंडिंग में आ जाओ, फिर उसके बाद 40 के बाद फिर घटेंगे तो 30 फिर उसके बाद 20 फिर उसके बाद 30 20 फिर 01। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सीरीज। आप देखिए उसी तरह इसमें दिया है, अब इसमें देखिए अब इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 कितने बार आया, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब इसमें 1 कितने होंगे, 5 होंगे। देखिए 10 10 20 30 40 50 फिर 40 30 फिर
20 फिर 1 है, तो उसी तरह इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब आपका यहाँ नंबर होगा 105 टाइम लिखेंगे 10 10, 10 10 10 फिर 10 फिर 1 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको फिलअप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। उसके बाद देखिए इसमें भी आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है और उसके बाद उसको फिलअप करना है। जो वहाँ पर स्पेस दिख रहा है यहीं पे आपको क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, जैसे 1² + 2² देखिए 1² पहला इसके रेशियो है, फिर उसके बाद अब इसका इसके साथ रेशियो है, ठीक है। तो 1² + 2² फिर +2² + 3² 1 2 2 3, ठीक है। तो यही इसका रेशियो है। फिर देखो अब यहाँ पे देखो 2² 3² तो हो जाएगा 2 3 6, अब ये कितना हो गया 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 6, तो ये 6² और ये अगला नंबर हो जाएगा 7² इस तरह के रेशियो में है। फिर देखो 3² 4² तो 3 4 12, 3 4 इनका इसमें रिलेशन है, 3 4 12 तो 12² और उसके बाद 13² है, ठीक है, n+1 की अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो 4² + 5² 4 5 20, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 20², जब ये 20² हो जाएगा तो अगला नंबर जो आएगा 21² होगा, ठीक है, n² + 1 के हिसाब से, ठीक है। अब अगला देखो, अब यहाँ पे 5² है और यहाँ पे 30 है, तो 4 5 20, तो ये 5 आया था तो ये 30, तो 5 6 इसका मतलब यहाँ पे 6² होगा, 5 6 30 30² 31², ठीक। अब उसी तरह देखिए 6² 7² तो 6 7 42, तो यहाँ पे 42² है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 43² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n² + 1 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिना इसको ऐड करने आपको इसका जो है हमको इसका फाइंड द सम लिखना है, इसको टोटल कर देना है बिना इसको ऐड किए। जैसे बस आपको करना क्या है, इसको आप ये नंबर जो आपको दिख रहे हैं ये सारे नंबर ओड नंबर हैं, ये इस ओड नंबर को आपको काउंट करके उसका n स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। जैसे इसमें कितना ओड नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर लीजिए n स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। तो आप देखो इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो ये 5² हो गया, 5² का मतलब हो गया 5 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 5 × 5, अब 5 5 = 25, ठीक है। तो इसका सम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी तरह जो है इसमें और एक क्वेश्चन और दिया गया है, उसमें जो है 19 नंबर तक लिखा गया है, जैसे 1 3 4 5 6 19 तक, तो आप काउंट कर लीजिए 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, आप इसको काउंट कर लीजिए 3 6 9 10, अब ये 10 होगा, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100, तो उसका जो सम आएगा वो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अब इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर। जैसे 49 है, 49 को ऐड करना है ऐसा, जो कि सारे जो नंबर ऐड करने हैं वो सारे क्या होने चाहिए, कितने होने चाहिए, वो सब ओड नंबर होने चाहिए। ओड नंबर होने के लिए इसका मतलब है कि आपको 7 49 ये लिखा है ना, इसका मतलब है कि 7 आपको ओड नंबर लिखने हैं। तो इसका जो सलूशन आप देंगे, क्वेश्चन आप बुक से नोट कर लीजिएगा, देखिए आप इसके ओड नंबर लिखिए, ठीक है। तो ओड नंबर क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, आप इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद एक 11 + 13, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यही वो 7 नंबर हैं, 7 ओड नंबर हैं, जिनको ऐड करने पे उसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 49 आ जाएगी। उसी तरह से 121 है, 121 करने के लिए आपको 11 ओड नंबर लिखने चाहिए, जैसे इसमें 7 है 4 और इसमें ओड नंबर लिख लीजिएगा, उसी का जो सम होगा वह 121 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है 12 एंड
13, 12 एंड 13, ठीक है। तो इसके पूछ रहा है कि इन दोनों नंबरों के बीच में टोटल कितने नंबर हो जाएंगे। तो देखिए 12 और 13, 12 का स्क्वायर कर लीजिए, 12 का हो जाएगा 144, और 13 का होता है, 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 169। अब इसका जो है हमको डिफरेंस करना है, तो 169 में से 144 को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 में से 4 माइनस हुआ 5, और ये 6 माइनस 2, अब इसमें से माइनस 1 कर लीजिए तो ये आ जाएगा 24, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, ये समझ में आया, इसका फार्मूला भी हम लिख दे रहे हैं इस हिसाब से हो रहा है, यानी स्क्वायर, देखिए यानी स्क्वायर और यानी स्क्वायर माइनस प्लस 1 के बीच में जो नंबर आते हैं, तो इसका जो इसमें जो डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस आ रहेगा, ठीक है, तो वही जो होता है वह 2n, इसका जो वैल्यू आ जाती है वह आ जाती है 2n, क्या आ जाती है 2n। तो बस आपको जो पहला नंबर है 12 है, और 12 है पहला नंबर, इसको मान लेंगे n है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2n। तो अब 2n की वैल्यू कितनी है, 12 है, अब 12 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 24, तो इनके बीच में 24 जो है नन स्क्वायर नंबर आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं 24 नन स्क्वायर नंबर आ जाते हैं, ठीक है, n प्लस 1 और n माइनस n का जब हम करेंगे तो यही इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच का जो स्क्वायर होता है यही उसका नंबर होता है, इसको, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 को 9 को भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है हम अगली एक्सरसाइज में से भी एक क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें दो ही क्वेश्चन है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम अगली एक्सरसाइज का भी एक दो क्वेश्चन लेंगे। सिक्स पॉइंट टू से देखिए, 6.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जैसे 32 का हमको क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हमको स्क्वायर करना है, तो 32 का स्क्वायर का मतलब है इसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे, इसका मतलब ये हो गया कि 32 को 32 से हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, जो आ जाएगा वह इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इस पर अगर सूटेबल प्रॉपर्टी यूज कर दें, जैसे 32 का स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब है कि हम इसको 30+2 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसमें फार्मूला आपका यूज हो जाएगा, कौन सा फार्मूला इस पर यूज हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, इसमें आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप इसी फार्मूले पर रख लीजिए, ये मान लीजिए कि आपका ए है और ये आपका बी है, तो अब ये हो जाएगा 30 स्क्वायर, ठीक, अब इस फार्मूले पर रखिए 30 स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 × 30 × 2, फिर उसके बाद फिर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाए 30 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 और 1 0 है, तो यहाँ पे 2 0 हो गया, प्लस इसको कर लीजिए 30 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 जा 60 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 120 और इसका आ जाएगा 4। अब ये नंबर इसको 120 में जब 4 का ऐड कर देंगे तो 124 हो जाएगा, 900 प्लस 124 हो गया, अब इसको ऐड कर लीजिए तो 910 हो जाएगा, यहाँ पे 1024 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही है कि नहीं है, आपका ये जो है सिंपल मल्टीप्लाई है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9 प्लस 1 = 4, 2, 1, 1, 12, 9, 10। देखिए इसमें कहीं मिस्टेक हो रहा है, उसको देख लीजिए कहाँ हो रहा है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, यहाँ पे 9 ही होगा, ठीक है। अब इसका जो हो जाएगा 101, देखिए आ गया वही नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर चेक हो गया कि इसकी जो वैल्यू होगी वो इतना होगी। तो आप इस सूटेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, इससे आसानी हो जाएगी, ठीक है, इस सूटेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, इससे आसानी हो जाएगी। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, 31 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें लिखा है राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, देखिए एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है,
गोरी ट्रिप लेट, ठीक है। पाइथागोरिन ट्रिपलेट में देखिए, इसका जो एक इसका पास एक फार्मूला है उसको नोट कर लीजिए। देखिए पाइथागोरिन ट्रिपलेट के जो फार्मूले होते हैं वह बस ये फार्मूला नोट कर लीजिए, उसमें होता है 2m अकॉर्डिंग 2m स्क्वायर माइनस 1 और एक होता है 2m स्क्वायर प्लस 1 होता है। बस यही थ्री फार्मूले आपको लर्न करना है और इसी के हिसाब से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होना है, ठीक है। क्या फार्मूला आता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 होता है। ये देखो यहाँ पे गलती है, ठीक है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 होता है। इसी फार्मूले से आप सॉल्व करेंगे। इसका पहला लिखा गया है जैसे 6, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्यूशन इसका इस तरह से होगा, देखिए 2m इक्वल टू 6, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2, इसको कट कर दीजिए, 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक। अब दूसरा फार्मूला है, हमको दूसरा नंबर निकालना है m स्क्वायर माइनस 1 से, m स्क्वायर माइनस 1 से, तो अब इसका हो जाएगा, अब नंबर m की वैल्यू कितनी आया है 3, 3 में का स्क्वायर करके माइनस 1 कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 में से 1 माइनस कर दीजिए 8 आ गया, तो दूसरा नंबर आपको 8 हो गया। और इसका अगर हम थर्ड नंबर निकालें तो m स्क्वायर प्लस 1 से कर लें, तो m की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, 3 जा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो आपको जो इसमें इसके जो नंबर आए वो कौन कौन से नंबर आया है आपका, देखिए नंबर आया 6, पहला नंबर आपका 6 है, दूसरा जो 8 है और तीसरा जो नंबर है वो आपका 10 है, ठीक है, 6 8 10। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 6.2 को भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।